हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से जो आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है और क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है ना, तो जो 26 जुलाई का क्वेश्चन ऑफ द डे है ना आपके पास, वो मैं आप लोगों को यहाँ कराने वाली हूँ। क्वेश्चन है क्या हमारे पास, पहले वो रीड करते हैं और फिर करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है आपके पास। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। कह रहे 2 किलो सेब का, एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं फिर एक साथ ही समझा दूंगी दोनों को। कह रहे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। किसी स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए। आपसे क्या कह रहे हैं, किसी दिन 2 किलो सेब का और 1 किलो अंगूर का जो मूल्य था, जो कॉस्ट थी, वो ₹160 थी। फिर एक महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कॉस्ट कितनी हो गई, ₹300 हो गए। तो आपको इसको सिर्फ एक समीकरण मतलब इक्वेशन बना के छोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम यहाँ लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल हम यहाँ लेट करते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारे पास रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स वो हमारे पास हो जाएगी रुपीज वाई। हिंदी में देखें तो यहाँ पर लिख देंगे माना, ठीक है, 1 किलो सेब का मूल्य, इसी तरह से यहाँ लिख देंगे 1 किलो अंगूर का मूल्य, ये आपने माना है यहाँ। अब अगर प्रश्न के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 किलो सेब थे और 1 किलो अंगूर थे तो कितनी कॉस्ट थी, 160। फिर एक महीने बाद 4 किलो सेब थे और 2 किलो अंगूर थे तो कितनी कॉस्ट थी, ₹300। बस आपको यही दिखाना था, इसको आगे हल नहीं करना, सिर्फ समीकरण बना के छोड़ना है। क्लियर, कंप्लीट आपके पास ये। अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए कहेगा तो आपको आते हैं, दोनों विधि आती हैं, दोनों मेथड आते हैं, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपके पास आज का क्वेश्चन। अगर हल करना है तो आप इसे हल आगे कर सकते हैं। इस चैप्टर को हमने पूरा कर रखा है एनसीईआरटी से भी और आरडी शर्मा से भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो इस इक्वेशंस को आप आगे हल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।